हाँ जी, अज्जी थोड़े एक होर रिजल्ट शेयर कर जा रहे हैं सुखप्रीत कौर का। ओवरऑल 67 एंड स्पीकिंग 77 बच्चे ने ओनली 15 डेज दी क्लासेस लईयां सी वीजा वेव्स ते, एंड 15 डेज दे विच उन्होंने अपने डिजायर स्कोर अचीव किए। सुखप्रीत तुहाडा एक्सपीरियंस किदां रहा वीजा वेव्स दे नाल? मैम मेरा बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा वीजा वेव्स के, बिकॉज टीचर सर बहुत हैल्पफुल है एंड बहुत फोकस करवाते हैं टिप्स ट्रिक्स से, एंड ऑलसो वधिया मतलब रीड लाउड से प्रिपरेशन करवाते, रिपीट सेंटेंस का कंटेंट चकन का पूरा दसते भी किदा चकना। तो सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा, ताहीं इसे करके मतलब मेरे 67 ओवरऑल स्कोर आए थे, स्पीकिंग मेरी 77 आई। ओके सुखप्रीत, जिवें क्लास दे विच तुहाडा कॉन्फिडेंस डाउन हो जांदा सी, तुसीं नर्वस हो जांदे सी, फाइनल एग्जाम दे विच तुसीं किद्दां परफॉर्म कीता? मैम मेरा फाइनल एग्जाम दे विच थोड़ा सा मतलब मैं लिटल बिट नर्वस हो गई सी, बट मैं जो रिपीट सेंटेंस का कंटेंट मेरा पूरा चक्या गया, दैन मैं कॉन्फिडेंट हो गई सी, मेरा बैलेंस हो गया सीगा, ते एंड मैं जो राइट ऑफ डिक्टेशन भी मैं पूरी कंप्लीट कर ली, फिर मेरा कॉन्फिडेंस वधिया रहा, मेरे वधिया स्कोर। हाँ जी सुखप्रीत, जिहड़े स्टूडेंट पीटी दी प्रिपरेशन कर रहे हैं जां एग्जाम देना चाहुंदे आ, उन्हां नूं की रेकमेंड करोगे, किहड़े मॉड्यूल ते उन्हां नूं वध फोकस करना चाहिदा एंड किहड़े किहड़े टॉपिक्स ते उन्हां नूं फोकस करना चाहिदा तां कि उह अपने पीटी दे विच डिजायर स्कोर अचीव कर सकन? मैं स्टूडेंट नूं यही रेकमेंड करूँगी, फस्ट ऑफ ऑल वधिया इंस्टीट्यूशन चूज करन एंड मोर फोकस करन स्पीकिंग ते, बिकॉज स्पीकिंग रीड लाउड ते वधिया फोकस करन, रिपीट सेंटेंस दा पूरा कंटेंट चकन, एंड दैन लिसनिंग ते फोकस करन, बिकॉज लिसनिंग ते स्पीकिंग दे नंबर बहुत हुंदे आ, एंड लिसनिंग दी राइट ऑफ डिक्टेशन दे नंबर बहुत उत्ते ज़्यादा मतलब फोकस करन, दैन उन्हां दे ओवरऑल इनक्रीज। ओके कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू।